कुछ लोग गाड़ी में बैठकर रोड से कहीं जा रहे थे, शायद वो किसी शादी से आ रहे थे। रात का समय हो चुका था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी कि तभी सीमा अपने पति से कहती है, देखा था आज आपने उस रीता को, उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, जरा सी भी शर्म हया नहीं है उसको। मुझे तो इन लोगों के माँ बाप के बारे में सोच कर ही तरस आता है, कैसे परवरिश की है उन्होंने अपनी बेटी की। क्यों, क्या हुआ? अरे उस लड़की रीता ने आज तो हद ही कर दी, देखा कैसे टाइट टाइट कपड़े पहन कर आई थी, और उसकी वो जीन्स, हाय राम, इतनी टाइट थी कि क्या बताऊं। हाँ सीमा बहू, तू सही कह रही है, इन लड़कियों के ऐसे कपड़े पहनने से ही हमारे देश में ऐसे बुरे काम होते हैं। अब बताओ, सूट साड़ी पहनकर भी तो वो शादी में आ सकती थी ना, पर वो क्या पहन कर आई, जीन्स और इतना ऊंचा टॉप। राम राम राम, शादी में सारे लड़के उसे ही देखे जा रहे थे, मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने पर जान से मार दूं। हाँ माँ जी, ऐसा तो करना ही चाहिए, तभी ये लड़कियाँ अपनी औकात में रहेंगी। तभी अचानक से उनकी गाड़ी एक सुनसान खंडर के पास आकर रुक जाती है। अरे इसे क्या हुआ, अभी तक तो ये सही चल रही थी। आप दोनों यहीं बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ। राकेश गाड़ी देखता है, तभी एक लड़की जिसने फटी हुई पैंट और टॉप पहना हुआ था, खून से लथपथ डरावनी सी शक्ल लिए चुड़ैल उन दोनों सासू बहू के सामने आ जाती है और सीमा से कहती है, क्या कसूर था मेरा जो तुमने मुझे मारा, सिर्फ इसीलिए कि मैंने जींस पहनी थी। बोलो बोलो राकेश, आप कहाँ हो? मैं तुम दोनों के अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगी, और अब तुम दोनों भी इस धरती पर और नहीं रहोगी। तुम लोगों ने मेरी जान ली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उन दोनों को गाड़ी से खींचते हुए निकालती है और जोर जोर से उनका सर पेड़ पर मार मार कर उन्हें मार ही डालती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, जिन लोगों की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। उनको मारने के बाद वो वहाँ लिख जाती है, पेंट फाड़ने वाली चुड़ैल। अगली सुबह, अरे ये क्या हो गया, लगता है ये उसी चुड़ैल का काम है, वो ना जाने और कितने लोगों को ऐसे ही मार डालेगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, जिसने उसके साथ बलात्कार किया वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी, जिसने उसे मारा है उनमें से वो किसी एक को भी नहीं छोड़ेगी। लगता है इन दोनों औरतों की सोच भी रूढ़िवादी होगी, वरना और भी तो लोग यहाँ से जाते हैं, उन्हें तो ये चुड़ैल कुछ नहीं कहती। ये पेट फाड़ने वाली चुड़ैल का बदला है, उस लड़की का बदला जिसे कई लोगों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला और उसका बलात्कार किया। आखिर क्या कसूर था उस बच्ची का, सिर्फ यही कि वो जीन्स पहनती थी, और ऐसे रूढ़िवादी लोगों के डराने से भी वो नहीं डरी और जीन्स पहनना नहीं छोड़ा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। कुछ औरतें उसी खंडर से पैदल गुजर रही थी, वो आपस में कुछ बातें कर रही थी। अरे ना जाने क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को, उन्हें कुछ काम की बात समझाओ तो मानते ही नहीं, इन जैसी लड़कियों की वजह से ही लड़के क्राइम कर बैठते हैं और ये रेप होने लगते हैं, और क्या, और इस कारण हमारी सभ्यता कितनी पीछे चली गई है। भला ये भी कोई पहनावा हुआ, पहले तो ये लड़कियाँ खुद गलती करती हैं और जब इनके साथ कुछ गलत हो जाए तो औरों पर दोष मढ़ने लगती हैं। अरे बहन, लड़की की इज्जत तो अपने हाथों में होती है, या तो वो अच्छे कपड़े पहनकर बचा ले या वेस्टर्न कपड़े पहनकर लुटवा ले। अरे मेरी लड़की भी ऐसा करती ना तो भगवान कसम उसे जिंदा जला देती। बताओ सही कह रही हूँ ना मैं बहन? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तभी एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, लड़की को क्या पहनना है और क्या नहीं ये तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे औरतों की वजह से ही कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है, पर अब और नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक को मार डालूंगी। कौन है, कौन है यहाँ? तेरी मौत, तुम सबकी मौत। देखो हिम्मत है तो सामने आओ, मुझे देखने के लिए इतनी बेताब हो, ये लो। वो चुड़ैल उन सभी के
सामने आती है, जिसे देखकर वो सभी औरतें डर जाती हैं। तुम जैसी छोटी सोच वालों को जीने का कोई हक नहीं। तुम लोग इस समाज में खुद को सभ्यता और पहनावे के दायरे में रखकर दूसरी मासूम लड़कियों को यातना देती हो। तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसी लड़कियां खुलकर जी नहीं पाती और आखिर में मेरी तरह मार दी जाती हैं। अब तुम भी नहीं बचोगे, एक एक मरोगे। वो चुड़ैल उन सभी औरतों के पैर और हाथ में रस्सी बांधकर खंडर में बने कुएं में ले जाकर डाल देती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार डालूंगी। उन्हें मारने के बाद वो फिर से लिख जाती है, पैंट फाड़ने वाली चुड़ैल। इन सभी औरतों की लाशें मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। ये खबर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस तक पहुंच जाती है। तभी एक दृष्टि नाम की लड़की इस न्यूज को कवर करने का सोचती है और गांव में पहुंच जाती है। ये खबर कोई आम नहीं है, ये बहुत खास है। ये किसी न किसी की बदले की आग है और मुझे इसके पीछे की सच्चाई का पता तो लगाना ही होगा। दृष्टि सभी गांव वालों से इसके बारे में पूछती है और रात को खुद उस खंडर के पास जाती है और उस चुड़ैल को आवाज लगाती है। देखो सुमन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था, पर क्या तुम जो अब लोगों के साथ कर रही हो वो सही है? वो चुड़ैल उसके सामने आती है। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में सब पूछा, पर तुम्हारी कहानी नहीं जानती। मेरी कहानी? मैं एक 18 साल की लड़की थी, मुझे जीन्स पहनना पसंद था, पर मेरे गांव में ही कुछ लोग थे जो खुद को धर्म और सभ्यता का रखवाला मानते थे। उन्होंने मुझे जीन्स पहनने से मना किया, पर मैंने उनकी नहीं मानी, जिनसे उनकी सोच को झटका लगा। और एक रात जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि तभी टाइट जींस में अपने पुष्पा के पास आ जा। तुम्हारी घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? चल तुझे बताते हैं। फिर वो लफंगे उसे खंडर के पास ले जाते हैं और रेप करने के बाद मार देते हैं। मैंने बस तभी से ही ये तय कर लिया कि ऐसी छोटी सोच रखने वालों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार डालूंगी। उन कमीनों को तो मैंने कब का मार दिया, पर अब ऐसी सोच वाली लोगों को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। सुमन, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। ऐसे तो जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया तुम वही उन लोगों के साथ कर रही हो, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा तुम और उन लोगों के बीच? देखो, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और ऐसे रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों को जेल के पीछे पहुँचा कर रहूंगी। तुम मेरा भरोसा कर सकती हो। तुम सच कह रही हो? हाँ सुमन, मैं सच कह रही हूँ। दृष्टि, तुम मेरी कहानी सबको सुनाना ताकि मेरी जैसी और कोई भी लड़की ऐसी रूढ़िवादी लोगों की नई शिकार ना बने। सुमन वहाँ से चली जाती है। दृष्टि उसकी कहानी सब लोगों के सामने लाती है और सुमन को इंसाफ दिलाती है और ऐसे लोगों को ये संदेश देती है कि लड़की किसी की मोहताज नहीं, उसे जो पहनना है वो पहन सकती है और उसके पहनावे पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंद्रनगर में रामकुमार नाम का एक व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी लता और 8 साल की बेटी आशा और 5 साल के बेटे अमर के साथ रहता है। आशा रामकुमार की पहली पत्नी की बेटी है जो अब इस संसार में नहीं है। 6 साल पहले रामकुमार की पहली पत्नी गीता का देहांत हो चुका है। दूसरी पत्नी लता ने कभी आशा को माँ की तरह प्यार दुलार नहीं किया। लता हमेशा आशा को डांटती ही रहती है। लता अमर को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। आशा, चल जल्दी से घर में झाड़ू लगा ले, कपड़े भी धोने हैं। माँ, आप मुझे कभी पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजती? तू क्या करेगी कमबख्त स्कूल जाकर? अगर मैं तुझे स्कूल भेज दूंगी तो घर में काम क्या तेरी माँ का भूत करेगा? चल दफा हो जा और घर में झाड़ू लगा ले, नहीं तो तेरी क्लास में झाड़ू से यहीं ले दूंगी। चल भाग यहाँ से। आशा डर गई और वहाँ से चली गई। माँ, आप आशा दीदी को कभी स्कूल क्यों नहीं भेजती? चुपचाप स्कूल जा, ज्यादा मत सोच, इसे भी जल्दी भेजूंगी, मगर स्कूल नहीं, नरक में इसकी माँ के पास। अमर स्कूल चला जाता है। अमर के स्कूल जाने के बाद आशा की सौतेली माँ आशा के पास आकर उसे पीटती है और कहती है, आशा अगर तूने आज के बाद अमर के सामने स्कूल जाने की बात की तो तुझे जान से मार दूंगी, समझी? शाम को आशा और अमर घर के बाहर खेल रहे हैं, तभी आशा की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हराम खोर, कितनी देर से तुझे बुला रही हूँ मगर तेरे कान पर जू नहीं चलती, अभी तुझे ठीक करती हूँ। तभी रामकुमार वहाँ आ जाता है
और अपनी पत्नी लता को समझाने की नाकाम कोशिश करता है। अरे आशा की माँ, खेलने दो से, क्यों डांट रही हो, बच्ची ही तो है। खबरदार, जो मुझे इसकी माँ कहा तो जबरदस्ती इसे मेरी बेटी ना बनाओ, जाओ अपना काम करो। बेचारा रामकुमार पत्नी को गुस्से में देखकर चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है और लता आशा को पीटती है और कान पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है। चल हरामखोर, बर्तन मांज, तेरी माँ नहीं आएगी मांझने, ये तो तुझे ही मांझने पड़ेंगे। अगले दिन सुबह रामकुमार को काम की तलाश में शहर जाना पड़ता है। अच्छा अमर की माँ, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ, अमर और आशा का ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मुझे सब पता है कैसे ख्याल रखना है और किसका रखना है। पिताजी अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। अच्छा बेटी, तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। रात के 2 बजे हैं, अचानक लता उठ जाती है और वो आशा के कमरे में झांक कर देखती है, आशा गहरी नींद में सो रही है। ये देखकर उसकी शैतान खोपड़ी में उथल पुथल होने लगती है। आशा की सौतेली माँ आगे बढ़ते बढ़ते सोचती है, आज मौका अच्छा है इसे सबक सिखाने का, और तकिया उठाकर वो आशा के मुंह पर रखकर आशा को मार देती है और घर के बगीचे में गड्ढा खोदकर आशा की लाश को उसमें दबा देती है। अगली सुबह अमर आशा को घर में ना पाकर अपनी माँ से सवाल करता है, माँ आशा दीदी कहाँ है, वो अपने कमरे में भी नहीं है। वो रात अपनी नानी के घर चली गई, चल तू अपना काम कर, आ जाएगी। 2-3 दिन गुजर गए, अमर आज बगीचे में उदास बैठा है, तभी वहाँ आशा की आत्मा आ जाती है और अमर को सब बताती है। अमर, अमर, कौन हो तुम? अमर डर जाता है। डरो नहीं अमर, मैं तुम्हारी आशा दीदी की आत्मा हूँ। मगर दीदी तुम तो नानी के घर चली गई थी। नहीं मेरे भाई, सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ। और आशा की आत्मा अमर को सारी घटना विस्तार से बताती है। उसी दिन अमर के पिताजी भी शहर से लौट आते हैं और अमर सारी बात पिताजी को बता देता है। अमर के पिताजी पुलिस बुलाते हैं, बगीचे में खुदाई करवाई जाती है और वहां आशा की सड़ी गली लाश निकलती है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को, मुझे इसे पत्नी कहते हुए भी शर्म आती है। रे चल पापण, तू समाज में रहने लायक ना है, इब जीवन भर जेल में चक्की पीसियो।